कोटा शहर के अंदर जो टीमें गठित कर दी गई थी, क्योंकि हमें कल से ही पूरा आभास था कि कुछ हरकतें, कुछ यहाँ पर जो राक्षस है वो इस ड्रैकुला रूपी कंपनी को बचाने में पूरा सहयोग जो इस आंदोलन की शुरुआत से ही कर रहे थे, कल से ही उन्होंने हरकतें चालू कर दी थी। जनता को, व्यापारियों को कई तरह के भ्रामक प्रचार करके उन्होंने गुमराह करने का काम करा। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले दिन से ही शेरों का आह्वान करा, तो शेर निकल कर जब अपनी मांदों से बाहर निकल कर आए, पूरे कोटा शहर के अंदर हर गली मोहल्ले से टीमें बनाकर जितने भी शेर निकले, आज उसका परिणाम है कि पूरा कोटा पूर्णतः बंद हुआ है। और 10 ये बस नहीं है, हम लोग आज, मुझे 11वां दिन अनशन पर हो गया है बैठे हुए। अब तक कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी बात करने नहीं आया है, जबकि रविवार को इन्होंने बंद कमरे में बैठक करी है, जो कि बिल्कुल ही हमने उसको ब्लैक करने का निर्णय नहीं लिया। तो जो हमारी संघर्ष समिति में हमारी पूरी टीम लग रही है, कर्मी सेना, SDPI, ऑटो यूनियन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम महासभा, राजपूत महासभा, ब्राह्मण महासभा, यहाँ पर वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज, 36 कौमों का समर्थन प्राप्त है। ये आंदोलन सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का नहीं है, क्योंकि आंदोलन पूरे शहर का आंदोलन है। यह आंदोलन प्रत्येक उस परिवार का है जो कोटा में निवास करता है, और यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये KDL रूपी राक्षस कंपनी इस कोटा की धरती से उखड़ कर नहीं चली।